वेलकम बैक वॉन्स एग्न टू माई यूट्यूब क्लास गाइज हाइम मनजीत रावत की और ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर दिस इज अनदर वीडियो ऑफ विंडो सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन एज वी नो दैट हमने एम सी एस सी की सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट वीडियो की बात करें तो हमने बात की थी हाउ यू कैन मैनेज द ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड एनफोर्स इन आवर ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट उसी पार्ट को हम आगे बढ़ाते हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कॉन्फिगर डब्ल्यू एम आई फिल्टर एंड हाउ कैन टेक द बैकअप ऑफ आवर ग्रुप पॉलिसी सो so, पहले कोशिश करते हैं समझने की कि डब्ल्यू फिल्टर का यूज़ क्या है किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर विल मूव आवर सेटअप एंड टॉक अबाउट द प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम uh, अपना डब्ल्यू फ़िल्टर कॉन्फ़िगर करेंगे राइट तो एज पर द नेम सजेस्ट अगर हम बात करें डब्ल्यू एम फिल्टर की तो डब्ल्यू एम आई इज अ बेसिकली विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन जिस केस में अगर आपके पास इन्वायरमेंट में एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं मान लीजिए यहाँ पे अपने पास एक डोमेन हमने इंस्टॉल कर रखा है दिस इज अवर डोमेन जो कि क्लास डॉट कॉम से रन कर रहा है राइट वी हैव अ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम ये सभी हमारे क्लाइंट्स हैं मे बी डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइक एज अ कुछ सिस्टम हमारे विंडोज़ टेन पे रन कर रहे हैं कुछ सिस्टम हमारे पास विंडोज़ सेवन के हैं राइट सो डब्ल्यू एम फिल्टर की हेल्प से यहाँ पे हम इफ़ यू वांट टू अप्लाई द पॉलिसी ओनली फॉर विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आप जो पॉलिसी क्रिएट किए हैं वो आप चाहते हैं कि सिर्फ वो विंडोज़ सेवन के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अप्लीकेबल हो विंडोज टेन पे उसका कोई इम्पैक्ट ना पड़े तो इन दिस केस द फिल्टर द सेग्रीगेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू फिल्टर ठीक है प्री सेम है कि क्लाइंट सभी हमारे डोमेन uh, के मेंबर होने चाहिए वर्क ग्रुप हटा करके आपको उनको एक्टिव uh, डायरेटी का मेंबर बनाना पड़ेगा कोई सा भी यूजर हम एक्टिव डायरिटी से क्रिएट करेंगे उसके ऊपर पॉलिसी लगाएंगे पॉलिसी लगाने के बाद डब्ल्यू फिल्टर कॉन्फ़िगर करेंगे तो हमने क्या कर रखा है अभी सेटअप में तो नॉट ओनली फॉर द सेग्रीगेशन विंडो सिर्फ विंडोज़ का सेग्रीगेशन नहीं अगर आप उसमें रिसोर्सेज यानी कि जो प्रोसेसर है इंटेल प्रोसेसर की पॉलिसी अलग एम प्रोसेसर की पॉलिसी अलग या जो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए पॉलिसी अलग क्रिएट करनी है चौंसठ बिट के लिए अलग क्रिएट करनी है इन सभी तरीके के सेग्रीगेशन में डब्ल्यू फिल्टर हमारी हेल्प करेगा बट अभी जो हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं अभी जो हम लाइव uh, प्रैक्टिकल देखने वाले हैं इस केस में हम बात करेंगे कि विंडोज सेवन और विंडोज टेन के बीच में कैसे हम डब्ल्यू डब्ल्यू एम फिल्टर को कॉन्फिगर करके इनके बीच में सेग्रीगेशन करें सेटअप दिखा देते हैं आपको जो हमने सेटअप बना रखा है आ... इन आर केस हमने एक सर्वर ट्वेंटी सिक्सटीन जिसपे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस रन कर रही है और हमने दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश कर रखे हैं दो अलग अलग क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश कर रखे हैं यहाँ पे ये विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम है राइट right? और एक विंडोज सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने इंस्टॉल कर रखा है राइट दिस वन इज आवर विंडोज सेवन सर्वर 2016 की हेल्प से हम ग्रुप पॉलिसी कॉन्फिगर करेंगे और उसके बाद सेग्रीगेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू फिल्टर तो तो अभी हमने just Windows 10 का installation किया। Windows 7 का का का, किया, किया है, है तो इसको फटाफट कर लेते हैं। अपने का बना लेते हैं, हैं। अपने बना हमारे का। so, Active Active की जो आई आईपी एड्रेस हमने दे रखा है अपने डोमेन का सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉन्फिगर इन प्रिफर्ड क्योंकि हमें इस सिस्टम को वर्क ग्रुप से कन्वर्ट करना है किसमें डोमेन का मेंबर बनाना है तो सिर्फ प्रिफर्ड इन हम यहाँ पे कॉन्फिगर कर रहे हैं जो इसकी आई पी एड्रेस है वो बाई डिफॉल्ट हमारे वाई फाई रूटर के थ्रू इसको मिल रही है तो so आई जस्ट नीड टू चेंज ओनली द प्रिफर्ड इन एस एड्रेस ताकि हमारे डोमेन हमारा जो नेट बायोज है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके नीट टू ओपन आवर सिस्टम प्रॉपर्टी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे चेंज पे जाएंगे एंड अगेन चेंज और यहाँ पे वर्क ग्रुप से हटा करके इसको मेंबर बना देते हैं क्लास डॉट कॉम का एडमिनिस्ट्रेटर और जो भी अपने पासवर्ड रखा हो अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का डोमेन का वो पासवर्ड दे करके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे राइट right? तो दो क्लाइंट हो गए अपने पास यहाँ पे अभी एक विंडोज सेवन है एक विंडोज टेन है हम एक ग्रुप पॉलिसी डिजाइन करने वाले हैं पॉलिसी क्रिएट करने वाले हैं और फिर उसी यूजर से हम अपने इन दोनों सिस्टम को लॉग करने का काम करेंगे ठीक है वी सक्सेसफुली कन्वर्टेड अवर विंडोज सेवन फ्रॉम वर्क ग्रुप टू डोमेन बैक टू द सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर ओपन कर लेते हैं एंड बिफ़ोर दैट चेक कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स अपने पास अवेलेबल हैं तो आई थिंक लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉक इनहेरिटेंस एंड इनफोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अवर यूज़र तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे जी यूज़र भी है और ए uh, यूजर uh, भी अवेलेबल है सो नो प्रॉब्लम दो अलग अलग यूजर अवेलेबल है इन्हीं का इस्तेमाल करके हम अपना डब्ल्यू माई फिल्टर कॉन्फिगर करने वाले हैं ठीक है तो क्या करना है नेक्स्ट ओपन जी पी ओ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल्स पे जाएंगे जीपीओ मैनेजमेंट को ओपन करेंगे एंड ग्रुप पॉलिसी के केस में जितनी भी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है हम उनको हटा दे रहे हैं यहाँ पे डोमेन पे क्लिक किया क्लास पे क्लिक किया ट्रेनिंग इज अवर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट उस ट्रेनिंग के अंदर हमने दो पॉलिसी कॉन्फिगर कर रखी थी सो वट एम गोइंग टू डू यहाँ पे एच के ऊपर से ब्लॉक इनहेरिटेंस हटा देते हैं रिसाइकल बिन की पॉलिसी को हम डिलीट कर देते हैं वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू द रिसाइकल बिन ब्लॉक कंट्रोल पैनल इट मीन्स दैट जो एच आर के अंदर यूज़र है या सेल्स के अंदर जो यूज़र अवेलेबल है उनके ऊपर ये हमारी जो कंट्रोल पैनल की पॉलिसी है वो अप्लीकेबल है कोई से भी यूज़र हमारा आ, कंट्रोल uh, पैनल को लॉग इन नहीं कर पाएगा कंट्रोल पैनल उसे उसे जब भी क्लाइंट से करेगा उसे नहीं दिखना चाहिए राइट चलिए हम स्टार्टिंग से कर लेते हैं सो एज वी नो दैट हमें एक ओय uh, uh, बनाना पड़ेगा क्योंकि इंडिविजुअल यूजर में पॉलिसी लगाने जा रहे हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट हम क्रिएट कर लेंगे न्यू पे जाओ ओ यू पे जाओ और यहाँ पे ओ यू का नाम हम दे रहे हैं डब्ल्यू एम आई ठीक है सो डब्ल्यू एम आई इज ऑर्गनल यूनिट इसके अंदर एक यूजर बना लो आप फटाफट यूजर नेम इज क्लाउड लॉग इन नेम इज ऑल्सो क्लाउड ठीक है दोनों में हमने क्लाउड रख दिया है नाम डन वी सक्सेसफुलटेड अवर न्यूजर विद नेम ऑफ क्लाउड जो की है डब्ल्यू एम आई के अंदर डब्ल्यू एम आई इज अवर ऑर्गनाइजेशनल यूनिट बैक टू द ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट यहाँ पे हम ग्रुप पॉलिसी भी आ गए एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा जो डब्ल्यू एम आई हमने ओयू बनाया है वो ओयू यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट डब्ल्यू एम आई ये दूसरा वाला ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट जो अभी हमने बनाया राइट क्लिक ऑन ओ यू क्रिएट जी पी यू सी पी ब्लॉक एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं कंट्रोल पैनल ब्लॉक करके एंड एज वी नो दैट इस डब्ल्यू एम आई के अंदर हमने जो यूजर रखा है क्लाउड के नाम से और हम जाके इसका कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर देते हैं ओनली फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ अभी ठीक है कंट्रोल पैनल और यहाँ पे हमने प्रो हैबिट एक्सेस कंट्रोल पैनल को किया yeah, इनेबल अप्लाई किया एंड ओके okay किया ठीक है वी सक्सेसफुली कॉन्फिगर है पॉलिसी फॉर आवर क्लाउड यूजर विंडोज टेन भी है विंडोज सेवन भी है तो हम अपने उस क्लाउड यूज़र को जो भी हमने अभी ए डी में यूजर बनाया है क्लाउड के नाम से उससे लॉग इन करा के देख लेते हैं ठीक है थीके? ये अपने पास विंडोज सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ और दूसरा विंडोज 10 को भी हम लॉगिन कराना चाहते हैं विद आवर एक्टिव डायरेक्ट यूजर अदर यूजर पे जाओ आप यहां पे सेम यूजर को लॉगिन करो क्लाउड और जो भी इसका पासवर्ड हो एंड एंटर सो यूजर अभी अप्लीकेबल है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन कर सकता है राइट किस मल्टीपल कंप्यूटर्स पे आप लॉगिन कर सकते हो क्योंकि हमने अपने यूजर को स्पेसिफाई नहीं किया कि इंडिविजुअल मशीन के लिए स्पेसिफाई किया होगा तो वो इंडिविजुअल मशीन पे ही लॉगिन कर पाएगा बट अपने केस में ओपन है टू ओपन फ्रॉम एनी वेयर कहीं से भी लॉग किया जा सकता है टेन में थोड़ा सा टाइम लगेगा बट नॉट एनी शो एक बार हम जी अपडेट चला देते हैं जी अपडेट इंटर पॉलिसी अपडेट हो जाएगी इससे और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हम कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं बी सक्सेसफुली अपडेटेड द पॉलिसी कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड क्योंकि हमने ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो पॉलिसी लगा रखी है उसमें कंट्रोल पैनल के एक्सेस को ब्लॉक कर रखा है तो नो no मैटर आप विंडोज 10 से लॉग इन करो या विंडोज 7 से लॉग इन करो किसी भी लोकेशन से आप अपने सिस्टम को लॉग इन करेंगे कंट्रोल पैनल आपका ब्लॉक रहेगा वी आर आरबल टू एक्सेस इन विंडोज 10 एंड विंडोज 7 दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल नहीं दिख रहा है इट मीन दैट आपकी पॉलिसी सक्सेसफुली काम कर रही है बट एज पर द एजेंडा यहाँ पे हमारा एजेंडा क्या है कि डब्ल्यू फिल्टर क्या करेगा डब्ल्यू फिल्टर के थ्रू हम जो पॉलिसी लगाना चाहते हैं पॉलिसी शुड भी अप्लीकेबल फॉर विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स उसका इम्पैक्ट विंडोज सेवन पे नहीं होना चाहिए हम नहीं चाहते कि जो विंडोज सेवन ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी क्लाइंट हमारे इंजीनियर्स हमारे विंडोज सेवन पे रन कर रहे हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी अप्लाई ना हो मीन्स कंट्रोल पैनल का ब्लॉक ना हो तो डब्ल्यू एम फिल्टर कैन हेल्प यू क्योंकि अगर दो तीन कंप्यूटर हैं तो उसमें हम सेग्रीगेट कर सकते हैं इवन सेम यूजर हम लॉग करा सकते हैं बट अगर मल्टीपल इन्वॉर्मेंट है तो यू नो डैट हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी सेग्रीगेशन करना पड़ सकता है तो वट वी नीड टू डू एवरीथिंग इज फाइन हम चाहते हैं कि ये पॉलिसी सिर्फ विंडोज टेन पे अपलीकेबल हो विंडोज सेवन पे अगर कोई कंट्रोल पैनल ओपन करता है सेम यूजर से तो वो इमिडिएटली लॉग इन कर सके कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सके आप आ जाएंगे सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्रुप पॉलिसी के पैनल पे आप देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एम आई फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है right राइट क्लिक करो आप डब्ल्यू एम आई फिल्टर पे न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे नाम दे रहा है कोई से भी नेम मेंशन कर सकते हैं Only for Windows 10 ठीक है यहाँ पे हम जो applicable बनाना चाहते हैं इसको only for Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड पे क्लिक करेंगे छोटी सी query है यहाँ पे आपको एक query जो है कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी क्योंकि राइट डाउन नहीं करना है हमें सिंपल सा गूगल ओपन करेंगे और गूगल से टाइप WMI filter query फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज़ ठीक है डब्ल्यू एम आई फिल्टर क्वेरी फॉर विंडोज़ टेन यहाँ से आप एग्जिटिंग uh, मल्टीपल आपको मिल जाएंगे मल्टीपल कोड मिल जाएंगे आपको कीज uh, मिल जाएगी सॉरी कीज यू कैन से दैट मल्टीपल स्क्रिप्ट मिल जाएगी सिर्फ हमें क्या करना है इसको कॉपी करना है और कॉपी करके पेस्ट कर देना है ठीक है ये सेंटेक्स हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ से बैक टू द डोमेन कंट्रोलर मीन्स जहां पे हमने पॉलिसी कॉन्फिगर कर रखी है और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट क्लियर तो ये जो पॉलिसी है ये जो डब्ल्यू एम आई फिल्टर की क्वेरी है ये अपलीकेबल हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ विंडोज टेन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेज को किया हमने सेव सक्सेसफुली ओनली फॉर विंडोज टेन अब आ जाइए आप पॉलिसी पे सी पी ब्लॉक ये हमने लगाया था सेलेक्ट योर पॉलिसी और पॉलिसी में सबसे लास्ट में देखो यहाँ पे डब्ल्यू एम आई फिल्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है क्लिक करेंगे ओनली फॉर विंडोज टेन ये आपने जो पॉलिसी भी थोड़ी देर पहले बनाया था उसको आप कॉन्फिगर कर दो इससे क्या होगा जो आपकी पॉलिसी है वो विंडोज सेवन के लिए काम नहीं करेगी सिर्फ विंडोज टेन के लिए अप्लाई हो जाएगी तो बैक टू द क्लाइंट और एक बार फिर से हम इस पर चला देते हैं जीपी अपडेट सेवन पे भी जीपी अपडेट चला देते हैं ताकि पॉलिसी रिफ्रेश हो जाए हमारी ठीक है अपडेटेड सक्सेसफुली लेट्स ट्राई टू ओपन कंट्रोल पैनल पहले विंडोज टेन में ट्राई करते हैं वी आर एनेबल टू एक्सेस इट अगेन विल ट्राई टू एक्सेस फ्रॉम विंडोज टेन जो आपने पॉलिसी लगाई थी इवन सेम यूजर है मीन जो विंडोज टेन पे हमने लॉग इन कर रखा है उसी आ, यूजर का इस्तेमाल हमने विंडोज सेवन को लॉग इन करने में किया है बट डब्ल्यू एम फिल्टर की हेल्प से हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का सेग्रीगेशन कर दिया कि नहीं जो पॉलिसी आपकी लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल होगी किसके लिए विंडोज टेन के लिए विंडोज सेवन या अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में है तो इस पॉलिसी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा दिस इज ऑल अबाउट द डब्ल्यू एम आई फिल्टर उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो गया फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो कमेंट करिए डेफिनेटली हम रिप्लाई uh, करेंगे और uh, आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे सो दैट्स इट गाइज ये अनदर सेशन हो गया एम सी एस ए का तो उम्मीद है आप अमीन वाइल प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे सो uh, so, आज के लिए इतना नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केयर बाय बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड इफ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट टेक केयर गाइस विल कनेक्ट सोन विद अनदर वीडियो बाय बाय